नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं असंध के 5 पॉइंट सिस्टम से। जी हां, असंध का 5 पॉइंट सिस्टम जिसकी हालत अब बद से बदतर हो चुकी है और इसकी तरफ अब तक किसी भी अधिकारी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया जमीनी स्तर पर। हो सकता है रिकॉर्ड के अंदर इसकी मेंटेन को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हों, लेकिन इसकी सच्चाई जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जब कोई अधिकारी इसकी हालत मौके पर आकर देखेगा और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगेगा तो हमारा दावा है किसी भी अधिकारी के पास कोई ठोस जवाब नहीं होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि कागजों के अंदर इसका काम बहुत ही अच्छा हो सकता है, व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन धरातल की रिपोर्ट 0/0 है। आप देख सकते हैं दीवारों पर लिखा है यह 5 पॉइंट आपका अपना है, इसे साफ स्वच्छ रखें, यहाँ गंदगी ना फैलाएं, लेकिन इसके रख रखाव की और इसके मैनेजमेंट की जिम्मेवारी किसकी है? दिन प्रतिदिन लगातार ये 5 पॉइंट अपना अस्तित्व खो रहा है और अधिकारी कर्मचारी जिसकी भी यहाँ पर ड्यूटी लगी है वो सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जल्द से जल्द इस 5 पॉइंट सिस्टम के बारे में ठोस संज्ञान ले और ठोस एक्शन ले, तभी इस 5 पॉइंट सिस्टम की बदहाली पर थोड़ा बहुत काम हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो लाइटें लगी हैं, लाइटों के जगह पर पत्थर बांधकर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। लाइटें टूटी हुई हैं और ये तोड़ने वाले कोई और नहीं, यही के लोग हैं, आसपास के लोग हैं। जो व्यवस्था प्रशासन चाहता है कि एक अच्छी व्यवस्था बने, शहर के लोगों के लिए एक अच्छा पार्क बने, घूमने फिरने के लिए अच्छा एक माहौल तैयार हो, उस व्यवस्था को कुछ शरारती तत्व खराब करते हैं तो प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ताकि जो पैसा यहाँ पर खर्च किया गया है, ये देखिए सामने एक बड़ी लाइट और लाइट के साथ ही ईंटें बांधकर किस तरह से एक भद्दा मजाक किया जा रहा है और अधिकारी कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ देखते रहते हैं। वोट मांगने के लिए जरूर आपके पास आएंगे, लेकिन जब समस्या होगी शहर की तो उसे अपने दफ्तर में ही बैठकर दूर करने का सिर्फ आश्वासन ही आपको देते रहेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल के DC साहब से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस 5 पॉइंट की बदहाली की तरफ ध्यान दें, ताकि इसकी दशा थोड़ी सुधर सके और अधिकारी कर्मचारी इस पर काम कर सकें। तो जल्द मिलते हैं किसी और खबर किसी और मुद्दे के साथ। आप सभी से अपील करेंगे कि अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे किसी और खबर के साथ, तब तक नमस्कार।